हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 2, अबू अली काउंट्स हिज डंकीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें, इन सभी प्रश्नों को याद करें ताकि आप अपनी सेट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड अबू अली गो? अबू अली कहाँ गया? टू विलेज गांव में, टू फेयर मेले में, टू सिटी शहर में, या टू स्कूल स्कूल में? अबू अली कहाँ गया था? अबू अली गया था एक मेले में, टू फेयर। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, टू फेयर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डंकीज डिड अबू अली बाय? अबू अली ने कितने डंकीज, कितने गधे खरीदे? 8, 9, 10, 7। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है 9, 9। अबू अली ने मेले से 9 गधे खरीदे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड अबू अली सर्च हिज 9th डंकी? अबू अली ने अपना 9वां गधा कहाँ ढूंढा? बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज, पत्थरों और पेड़ों के पीछे, इन द विलेज गांव में, और इन ए होटल, एक होटल में। तो उसने अपना 9वां गधा कहाँ ढूंढा? बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज, पेड़ों और पत्थरों के पीछे। आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, हुम डिड अबू अली मीट इन द वे? अबू अली रास्ते में किससे मिला? हिज टीचर, हिज फादर, हिज फ्रेंड और हिज सिस्टर? अबू अली रास्ते में मिला था अपने मित्र से, हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ अबू अली फ्रेंड? अबू अली का जो फ्रेंड था जिससे वो मिला था, उसका नाम क्या था? मूसा, अली, सलीम, महमूद। उसके फ्रेंड का नाम था मूसा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डंकीज डिड मूसा काउंट? मूसा ने कितने गधे गिने? 9, 10, 8, 7। मूसा ने गिने थे टोटल 10। ही काउंटेड 10 डंकीज। क्वेश्चन नंबर 7, अबू अली बॉट 9 डंकीज बट मूसा काउंटेड 10 डंकीज। हु वॉज द 10th डंकी? दसवां गधा कौन था? बच्चों, दसवां गधा था अबू अली। तो इसका सही आंसर है अबू अली हिमसेल्फ। आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोड वन ऑफ द डंकी? एक गधे पर कौन सवार था? अबू अली, मूसा, सलीम या महमूद? इसका भी आंसर है अबू अली। अबू अली ही एक अपने गधे पर सवार था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड मूसा थिंक अबाउट अबू अली? अबू अली के बारे में मूसा ने क्या सोचा? क्लियर, ऑनेस्ट, फूल या रिच? मूसा ने अबू अली के बारे में सोचा कि वो बेवकूफ है, वो फूल है। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स? नाउन की जगह हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? संज्ञा की जगह हम किन का करते हैं? सर्वनाम, और उसे हम कहते हैं प्रोनाउन्स। तो इसका सही आंसर है प्रोनाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक विद ए एन द। दिस इज डैश पेंसिल, और इसका सही आंसर है ए पेंसिल। यह एक पेंसिल है, ए। क्वेश्चन नंबर 12, यू शुड टेक डैश अम्ब्रेला। ए द एन नन, तो यहां आएगा यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 13, आशुतोष इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां भी आएगा
an intelligent boy. Question number 14. She is dash MA. She is an MA. Question number 15. He is dash European. So he is a European. Question number 16. He is dash honest man. A, the, an, none. He is an honest man. Question number 17. Dash Gita is a holy book. ये आएगा द गीता इज ए होली बुक. क्वेश्चन नंबर 18. नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड डैश. नेमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन, संज्ञा. आइए आगे चलें. आगे है क्वेश्चन नंबर 19. वेयर डिड अबू अली गो बाय राइडिंग ऑन द डंकी. अबू अली गधे पर सवार होकर कहाँ गया. To Fane, his home, his friend home, to the court. Abu Ali gaya apne ghar, his home. Question number 20. How many donkey did Abu Ali count after a while going to his home? Abu Ali apne ghar jane ke baad kitne gadhe ginta hai? 8, 10, 9, 7. And the right answer is 8. Next, question number 21. Where was Abu Ali friend Musa walking? Along the river, along the road, through the jungle, in the garden. Musa jo hai wo kahan walk kar raha tha? Along the road. Next is question number 22. What action did Musa give after counting the donkey? Surprised, laughed, said, cried. मूसा ने गधे गिनने के बाद क्या किया, क्या एक्शन किया. वह हंसने लगा. He laughed. Question number 23. अबू अली counted less donkey. How many? अबू अली ने कितने गधे कम काउंट किए. बच्चों इसका सही आंसर होगा 1. उसके पास टोटल थे 9 और उसने 8 काउंट किए थे. तो इसका सही ऑप्शन है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. होम डिड अबू अली आस्क फॉर हेल्प. अबू अली ने अपनी मदद के लिए किससे कहा. हिज मदर, हिज फ्रेंड, हिज फादर, नन. अबू अली ने मदद के लिए अपने फ्रेंड से कहा, मूसा से. आइए आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 25. विच वन इज द अपोजिट ऑफ आफ्टर. आफ्टर होता है बाद में. तो बाद में का अपोजिट यानी उल्टा विपरीत क्या होगा, पहले. और पहले का होता है बिफोर. सो इट्स राइट आंसर इज बिफोर, पहले. क्वेश्चन नंबर 26. विच वन इज द अपोजिट ऑफ बाय. बाय यानी खरीदना. तो खरीदने का उल्टा बेचना. तो इसका सही ऑप्शन होगा सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. टेल द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. नाउन की जगह यूज किए जाने वाले शब्द वो होते हैं प्रोनाउन्स, सर्वनाम. क्वेश्चन नंबर 28. फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अबू सिट डैश ए डंकी. अबू कहाँ बैठा था, डंकी के ऊपर, ऑन अ डंकी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. ही गॉट डैश एंड स्टूड नियर द डंकी. ही गॉट ऑफ एंड स्टूड नियर द डंकी. इसका सही आंसर होगा ऑफ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. देयर वॉज नो डंकी डैश द रॉक्स. Under the rocks, behind the rocks, between the rocks, या on the rocks. सही आंसर है इसका behind the rocks, यानी पत्थरों के पीछे कोई डंकी नहीं था.
तो बच्चों ये थे लेसन नंबर 2, अबू अली काउंट्स हिज डंकी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से ज़्यादातर प्रश्नों की आपके सेट परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इसे रिवाइज करें और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।